please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वाराणसी में हुए पुल हादसे के बाद यूपी सेतु निगम पर कानूनी शिकंजा कस गया है। पुलिस ने सेतु निगम के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा हत्या के प्रयास के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सेतु निगम के साथ साथ पुल का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भी वाराणसी से सिगरा थाने में केस दर्ज किया गया है। इसी बीच सेतु निगम के MD राजन मित्तल ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि आंधी की वजह से शायद पुल की बीम खिसक गई हो और इसकी जाँच नहीं हो पाई होगी तो पुल का हिस्सा गिर गया। उन्होंने बड़े ही आराम से कहा कि रूटीन चेकअप में इसे देखना चाहिए था। इसमें उन्होंने एंड की जो दो बीम्स थी जो उनको आपस में सरियों को वेल्ड करके रखा हुआ था, इसके नीचे लगती है बियरिंग्स, पॉट पीटीएफई बियरिंग्स थी। इसमें पॉट पीटीएफई बियरिंग्स में ऐसा लगता है कि कुछ प्लेस ज्यादा हुआ है। वो बियरिंग्स इसलिए होती हैं कि अगर मान लीजिए कल को कोई उसमें अगर हम बियरिंग्स नहीं लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उसमें क्रैक आ सकता है। तो इसमें हल्का सा प्ले इसमें ज़्यादा आया है। मे भी ये कारण जांच का विषय है कि इसमें हो सकता है 2-3 दिन पहले जो बहुत तेज़ आंधी बांधी आई है थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट की वजह से इसमें कहीं पर किसी बीम में जो किनारे वाली बीम है वो बिल्कुल किनारे पर होती है उसमें प्ले ज़्यादा रहा हो और वो नहीं देख पाए। वो जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को या हमारे CPL को या JEE को वहाँ पे रूटीन चेकिंग में देख लेना चाहिए। यूपी के वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर बन रहे एक पुल का हिस्सा गिरने से हुए हादसे के बाद वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। इस दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद कैंट रेलवे स्टेशन के पास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए चीख पुकार मचाने लगे। एक कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया तो कुछ ने मलबे में दबे लोगों को खींचकर बाहर निकाला। बहुत बड़ा हादसा है, वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने निर्माणाधीन पुल गिरा है, पुल का एक हिस्सा गिरा है। करीब आधा दर्जन गाड़ियां पुल के बीम के नीचे दब गयी, जिनमें कार में फंसी एक महिला ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। इलाके के लोगों का दावा है कि जिस वक्त पुल का हिस्सा नीचे गिरा उस समय वहां पैदल चलने वाले लोगों की और गाड़ियों की काफी भीड़ थी, इसलिए हादसे में मारे गए लोगों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई गई है। वाराणसी में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे की खबर दिए जाने के बाद पुलिस और बचाव दल के लोग वक्त पर नहीं पहुंचे। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निकालने की कोशिश की, लेकिन पुल के भारी हिस्से के नीचे दबे लोगों को निकालने में वो नाकाम रही। फिर प्रशासन ने मलबे को हटाने के लिए एक मशीन को मौके पर बुलाया, लेकिन लोगों की काफी भीड़ होने के कारण राहत और बचाव के काम में काफी मुश्किलें आई। प्रशासन पूरी तरीके से लगी हुई है, उन जो लोग भी जीवित हैं उनको बचाने का प्रयास करने के लिए जितने भी संसाधन हैं बनारस में उसका उपयोग किया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी भेजा, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट से जुड़े 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर HC तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर KR सुदन, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र सिंह और जूनियर इंजीनियर लालचंद शामिल हैं। इन चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। लोगों ने हादसे की वजह जल्दबाजी में काम को पूरा करना बताया, हालांकि निलंबित किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर ने इससे साफ इनकार किया। जल्दबाजी में काम हो रहा नहीं, ऐसा नहीं, जल्दबाजी का काम तो काम के तरीके से ही होगा ना। वहीं सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया।